Welcome to Evan's Toys Review. Please click the bell, like and subscribe. दोस्तों आज हम बात करेंगे कानपुर मेट्रो के बारे में। जैसे लखनऊ में भी लखनऊ मेट्रो बहुत प्रसिद्ध हुआ है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन चलता है, वैसे कानपुर मेट्रो भी आने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा 15 अक्टूबर 2019 सीएम जो है आदित्य जी ये कानपुर मेट्रो का उद्घाटन किया है, जहाँ पे सिविल वर्क शुरू हुआ है। आप देख सकते हो ये सब फेंसिंग लगा हुआ है। ये एक्चुअली अंडरग्राउंड का मेट्रो स्टेशन है जिसके लिए काम चल रहा है, तो ये फेंसिंग अभी रोड के आसपास लगा है, इसका अंदर काम हो रहा है और ये काम जो हो रहा है UPMRC का सुपरविज़न में ये काम हो रहा है। इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर हम आपको सारे ताज़ा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कानपुर मेट्रो हम देते रहेंगे। और ये जो सिविल वर्क चल रहा है, आपको पता होगा एपकॉन स्कूल की कंपनी है जिसको ये टेंडर मिला था, जिसने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट गति में चल रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है, क्योंकि उसका टारगेट है 2021 से चलना है। ये जो मेट्रो होगा इसमें हम इसके बारे में कोई डाउट नहीं है कि इसका भी जो आर्किटेक्चर होगा ये लखनऊ मेट्रो में जो आर्किटेक्चर यूज किया गया है वैसा या उससे भी अच्छा होगा, और भी देखने में और भी सुंदर होगा। ये लखनऊ मेट्रो का नज़ारा है जो ऐसा ही और इससे बढ़िया होना चाहिए। ये जो एरिया है ये है कानपुर का जो IIT है, IIT के आसपास वाला एरिया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोड में बैरिकेड इंस्टॉल्ड है और बैरिकेड के अंदर काम चल रहा है। इस धर आपको वायाडक्ट नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये अंडरग्राउंड वाला है, तो अंडर और यहाँ पे आप इंसर्ट में जो पिक्चर वगैरह देख रहे हैं तो यहाँ पे जो पाइलिंग वगैरह है ये काम शुरू हो चुका है, तो काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इस चैनल में हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे, जैसे लखनऊ मेट्रो जैसे बढ़िया सा एक वर्ल्ड क्लास कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मेट्रो कानपुर में भी आएंगे। उसमें थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, यहाँ पे OHE है, वहाँ पे शायद 754 थर्ड रेल से कनेक्ट होगा। ये जो नज़ारा है ये एक्चुअली कास्टिंग यार्ड है। कास्टिंग यार्ड पे क्या करते हैं, जो एपकॉन्स है ये यहाँ पे सारे चीज़ कास्टिंग करके लेके जाएंगे, प्री कास्टिंग बोला जाता है। कास्टिंग करने के बाद वो अपने मेन लाइन पे या जहाँ पर आपका सपोज आपको वायाडक्ट है या टनल है वहाँ पे लेके जाके इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो इसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है, तो वहाँ पर भी अभी काम चल रहा होगा। और ये देख सकते हैं कि उसका नज़ारा, सारे लोग काम पे लगे हैं और ये जो मशीनरी से प्लान एंड मशीनरी इक्विपमेंट बोलते हैं इंस्टॉल हो चुका है, उसमें काम तेज़ी से चल रहा है और अभी शुरुआत हुआ है, कुछ ही दिन हुआ है। सारे बहुत सारे लेबर लोग ऑलरेडी इस यहाँ पर लगे हुए हैं, दिन रात काम कर रहा है कि हम 2021 तक यहाँ पे ट्रेन हमको दौड़वाना है, रेवेन्यू सर्विस शुरू करना है। इसके इस टारगेट को रखते हुए सारे लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। हम क्या करेंगे कि इस चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कानपुर मेट्रो का सबसे बढ़िया और ताज़ा इनपुट्स मिलते रहेंगे। हम जैसे लखनऊ मेट्रो का भी देते थे ऐसे कानपुर मेट्रो का भी देंगे। आप सभी को पता है कानपुर मेट्रो में दो कॉरिडोर होगा, एक फेज़ वन एंड एक फेज़ टू होगा, जो दोनों में टोटल 22 स्टेशन होगा। वो टोटल जो डिस्टेंस कवर करेगा अराउंड 23 किलोमीटर का होगा। और इसमें जो सबसे बड़ा चीज़ जो है, ये 3 डिब्बा का ट्रेन होगा और जिस ट्रेन में आपको ड्राइवरलेस भी हो सकता है, और जो सिग्नलिंग सिस्टम होगा वो सबसे कटिंग एज और सबसे एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम होगा, जैसे हमारे लखनऊ मेट्रो में भी है। ये देख सकते हो जो कास्टिंग यार्ड पे जो लेबर लोग काम कर रहा है, तेज़ी गति से काम कर रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है, और सो दैट हम इस टारगेट को अचीव कर सकें। ऐसे फिर एक बार धन्यवाद है सभी लोगों का इस वीडियो देखने के लिए, और अगर इस वीडियो आपको अच्छे लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।